लोग अपने अपने सर के ऊपर इसको रखिए कलश को। इन घड़ों में 5-5 किलो पीले रंग का चावल भरा गया है, जिन्हें भरने से पहले राम मंदिर में पूजित किया गया, जिसे अक्षत पूजन कहा गया है। इन चावलों को हल्दी और घी मिलाकर रंगा गया। ये पूजित चावल अयोध्या से 45 टोलियां लेकर जाएंगी विभिन्न प्रांतों में, और वहाँ मकर संक्रांति को इनका वितरण होगा। और ये चावल VHP का कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि 5 लाख गांवों में पहुँचे, और साथ में एक चिट्ठी भी गई है जिसमें ये कहा गया है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिमा का स्थापना होगी, उस समय आप लोग अपने अपने घरों के बाहर उस दिन वहाँ दिए जला के दिवाली मनाएं, कीर्तन भजन करें और उत्सव मनाएं। तो एक तरह से विश्व हिंदू परिषद की ये कोशिश है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री के हाथों से होगी, तो पूरे देश के हिंदू समाज को वो जोड़ना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर आंदोलन का मकसद ही ये रहा है कि हिंदू समाज को जोड़कर एक राजनीतिक ताकत के रूप में उसको खड़ा किया जाए। और देखिए, संयोग ये है कि जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो उस समय देश के 5 प्रमुख राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, और जब राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, उस समय लोकसभा चुनाव भी पूरे कह सकते हैं कि उसका प्रचार भी काफ़ी कुछ तेज हो चुका होगा। तो बेसिकली राम मंदिर के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार चाहता है कि उनका जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है और उसका एजेंडा है, वो भी लोगों तक गांव-गांव पहुंचे। अब इसमें विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी कितना सफल होती है, ये तो अगला लोकसभा चुनाव बताएगा कि लोग राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर से वोट देंगे, वोटों का ध्रुवीकरण होगा, या लोग नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल की जो गवर्नेंस है उस पर अपनी राय प्रकट करेंगे या उस पर अपना मतदान करेंगे। ये भविष्य के गर्भ में है। रामदत्त त्रिपाठी, मीडिया स्वराज, लखनऊ।